टीम पापा के संरक्षण मनोज शर्मा ने सेंट पीटर स्कूल के बाहर धरना दिया और कहा कि आगरा में शीत लहर के चलते कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 14 जनवरी तक व कक्षा 9 से 12 तक 10 जनवरी तक बंदी का आदेश है। जिन विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षा व प्री बोर्ड की परीक्षा है उसे छूट है, मगर जो विद्यालय सुबह 8:30 बजे पर बच्चों को बुला रहे हैं ये कितना उचित है। प्रदेश में परिवहन सेवा भी मुख्यमंत्री जी के आदेश से प्रातः 8 बजे तक बंद है। इतनी शीत लहर व घने कोहरे में अगर बच्चे विद्यालय आते हैं तो रोड पर घटना होने व उनके स्वास्थ्य को लेकर भय बना हुआ है। टीम पापा संस्था के संरक्षण मनोज शर्मा ने कहा कि शीत लहरों के चलते कल प्रशासन को सूचित किया था, अगर परीक्षा 14 के बाद भी हो जाती तो नुकसान नहीं होता, पर अगर बच्चों के साथ कोई हादसा होता है अथवा वह अधिक अस्वस्थ हो जाते हैं तो इसका असर आने वाली बोर्ड परीक्षा पर अवश्य ही पड़ेगा, जिससे उसका भविष्य दाव पर लगेगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को या तो कक्षा 12 तक 14 फरवरी तक छुट्टी घोषित करनी चाहिए अथवा जरूरी होने पर ऐसे निर्देश जारी करने चाहिए जिससे बच्चे हादसे व शीतलहर से बच सकें। प्रातः 10 बजे से पहले कोई विद्यालय न खुले व विद्यालय कक्ष में शीतलहर से बचने के लिए हीटर आदि का इंतजाम हो। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। मैं मनोज शर्मा हूं, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा का संरक्षक। पिछले 2020 से हम लोग अभिभावक संस्था बना करके अभिभावकों के हित की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज यहां मैं इसलिए बैठा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 10 बजे से पहले कोई भी विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके आगरा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद हैं और 9 से लेकर के 12 तक के जो विद्यालय हैं वो 10 तारीख तक के लिए बंद हैं। उन्होंने छूट दी है कि यहाँ प्रयोगात्मक परीक्षा या प्री बोर्ड चल रहा है उनको खोलने की छूट दी जा रही है। मेरा यहाँ आना इसलिए ज़रूरी हो गया कि सुबह 8:30 बजे ये बच्चों को बुला रहे हैं और 8:30 बजे जो बच्चे आ रहे हैं वो कोहरे के अंदर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने बैन लगा रखा है कि रोडवेज बस भी 8 बजे से पहले नहीं चलेगी। ऐसे में इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, जिस वाहन से जाते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस कक्षा में ये पढ़ रहे हैं वहाँ इतनी शीतलहर चल रही है, इनका बोर्ड परीक्षा प्रभावित हो सकती है। अगर ये ज़्यादा देर तक अगर ये ज़्यादा जल्दी अगर ये लोग आते हैं स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा प्रशासन से ये मांग है कि या तो छुट्टियाँ घोषित करी जाएँ, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा है, इसमें अगर आगे 1 हफ्ते बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं, और अगर ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो कम से कम समय का परिवर्तन किया जाए, 10 बजे बाद ही कोई भी विद्यालय लगे, ऐसी हमारी मांग है।